Zoe by Kanan, an art exhibition by artist Kanan Khan at Mumbai's cultural hub Nehru Center, worldly was inaugurated by well-known Tarak Mehta Ka Ulta Chasma actress Neha Mehta on August 10. This was one of the first exhibition to be organized after the lockdown. हार्डवर्किंग उतना ही पैशनेटली इफ आई से
सींच लेते हैं जिंदगी के हर रस को, हर हर दिन को जो कलाकार जीते हैं ना, उनमें से एक है कानन जी, जिनको मैंने जीते हुए और सर्जन करते हुए देखा है. सो इट्स नॉट लाइक आई वुड रादर से इट्स माय प्रिविलेज. यहाँ पे धीमंत व्यास भाई जो मेरे भाई हैं, वो भी कलाकार हैं, उनके भी एग्जीबिशंस हो चुके हैं. ये गैलरी कानन आपके जैसे कलाकारों के लिए और कलाकारों की भव्यता की देन है. और यहाँ पे इतने बड़े पैंडेमिक के माहौल में जहाँ पे कोई तंत्र ठिकाने पे नहीं है, हम सब मिले हैं. थैंक यू कानन बहन टू बिगिन अ ब्यूटिफुल कलरफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ. सो इट इज़ माय प्रिविलेज. अगर टाइम निकालना पड़ा या प्रोटोकॉल्स के साथ काफ़ी सारे नियमों को निभाते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा, बेहाल भी थोड़ा सा होना पड़ा बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज एवरीवन इज़ कमिंग आउट. बट टुडेज एग्जीबिशन इज स्पेशल इन स्पेशलिटीज बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल प्रेजेंट हियर. ट्रस्ट मी इट विल गो लॉन्ग वे. टिल 16 इट इज देयर. आई एम टेलिंग यू फॉर नेक्स्ट 60 ईयर्स शी इज गोइंग टू गो एग्जीबिट हर पेंटिंग्स. और एक साल बहुत कम समय लगा है. मैंने देखा है कलाकारों को 6-6 साल लग जाते हुए भी 50 पेंटिंग को एग्जीक्यूट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. जैसे 50 डायलॉग बोलना और स्क्रीन के लिए तैयार होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप सब जानते हैं. पर वी एज ए टीम कम ऑन, जो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ आर टीम, हैज रियली मेड इट हील एंड ऑल आर जस्ट अराउंड द एग्जीबिशन हॉल. सो खैर हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, पर आप सब घूमिए, माउथ पब्लिसिटी करिए और डिसेंसी के साथ अगले 6 दिन यहाँ आइए और अपनी ऊर्जाओं को जागृत कीजिए एंड हैव अ कलरफुल लाइफ. थैंक यू सो मच मिसेस सेंट. आई एम फंबलिंग. थैंक यू सो मच मिसेस कानन खांत एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर एग्जीबिशंस एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड. एक और बात बताना चाहूँगी, आज जो कोई भी लोग नहीं आ पाए हैं कुछ असाइनमेंट्स की वजह से, उन सबका प्यार मैं भर भर के साथ में लाई हूँ एंड दिस इज अ सक्सेस. मैम 2 साल से कोरोना चल रहा है और 2 साल के बाद ये आपकी हाथ से ओपनिंग हुआ है, ये एग्जीबिशन के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या मायने रखते हैं? बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये घर की बात है, क्योंकि ये कलाकार का बहुत ही शिद्दत से किया हुआ काम है. और आप एक एक पेंटिंग देखेंगे तो उसमें आपको जीवंत लाइफ नज़र आएगी. और 2 साल के पैंडमिक में तो आई थिंक आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप घूमे हैं, कि क्या बेहाल कर दी है ज़िंदगी. उसमें अगर कानन बहन जैसे व्यक्ति ने 2 साल मेहनत करके आइडियाज़ कलेक्ट करके 1 साल में अगर डिस्प्ले करना सोचा और उन्होंने किया, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक इंस्पिरेशनल साइन है. ये एक ऊर्जा शक्ति जगाने की चेष्टा है कलाकार की दूसरे हजारों जीवंत जीव में और प्राण में, कि हम अगर हैप्पीनेस के कलर्स ऐड करें अपने कैनवास पे तो हमारी ज़िंदगी भी इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही मीनिंगफुल बन सकती है. सो अगेन आई विल से इट्स माय प्रिविलेज. बहुत छोटा जीव हूँ इस पूरी पृथ्वी पे, पर अगर मैं अपने फुलवारी का एक मोगरा जैस्मीन बन सकती हूँ, सफ़ेद कलर प्योरिटी, तो उसमें अगर कानन बहन जैसे कलाकार बहुत सारे कलर डाल देंगे तो ज़िंदगी मालामाल हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी. थैंक यू सो मच मैम. हम लॉकडाउन में बेसिकली सब परेशान थे, उसके बावजूद भी आपने इस पेंटिंग को बनाया 1 साल के अंदर, तो उसमें कुछ परेशानी तो आई होगी कोरोना और जैसे जनरली मुझे जो मटेरियल चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, शॉप्स वगैरह तो जो भी अवेलेबल मेरे पास अवेलेबल था उसमें से मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी रेडी कर पाऊँ. बाद में जब सेकंड ये वेव आया तभी भी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट के नहीं मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे कि आपके रिलेशंस वगैरह. मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो बाहर चल रहा है वो ठीक है, हमें अंदर से एकदम काम ही रहना चाहिए. हम जो रूटीन हमारा जो नेचर है वो कभी नहीं चाहिए. आपको पेंटिंग में कितना इंटरेस्ट, कितना रुचि रखती है? मुझे पेंटिंग में रुचि खुद आई विल नॉट हैव अ गट्स टू से कि मैं कलाकार बन सकती हूँ. जितना भगवान ने कला के क्षेत्र में आज तक मुझे दिया है वो भी शायद लायकात से ज़्यादा है
इससे और ज़्यादा मेहनत लगती है, पर कहीं ना कहीं बड़ों के आशीर्वाद ने मुझे आज आप तक हमेशा आगे पहुँचाया है ना। आई एम काइंड ऑफ ब्लेस्ड, बट मामा, एज आई ब्रीफली सेड, माई मामा, माई मामू, माई कजन सिस्टर, माई सिस्टर, दे ऑल आर पेंटर एंड एन आर्टिस्ट। आई नो फ्यू आर्टिस्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, माई अंकल अजीत अंकल इज एन आर्टिस्ट, कानन बेन आई नो पर्सनली, पुनीता भक्ता आई नो, हिमंत व्यास आई नो, आई नो दिस ऑल ब्यूटिफुल लेजेंडरी कलाकार ऑलमोस्ट दिल से और करीबी से। उनका पैशन मुझे पता है, और जो हमारा जज्बा है कि हम कलाकार हैं, हम कोई ऐरे गहरे नथु गहरे यूं ही खड़े होकर कुछ दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। कलाकारों की जिम्मेदारी जो होती है वो निभाने का जज्बा हम सब ने लिया है, और उसके तहत हम काम करते हैं, तो वो खुशी जिसमें आप सबका प्यार मिलता है। सो